बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं अहमद हमज़ा का चैनल। आज के इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एपो एंजाइम, एंजाइम जब इनएक्टिव होता है तो उसे एपो एंजाइम कहते हैं। जब इसके साथ नॉन प्रोटीन फैट कोफैक्टर आके अटैच हो जाता है तो एपो एंजाइम इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है और इसे होलो एंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसके दो अकसाम हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जब एंजाइम, फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है आके अटैच हो गया और इसने स्ट्रॉन्ग बांड बनाया, जब स्ट्रॉन्ग बांड बनाएगा तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप बन जाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जब इस एंजाइम के साथ कोफैक्टर लूज बांड बनाएगा तो ये कोएंजाइम बन जाएगा। हमारे माउथ में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज तब इनएक्टिव होता है जब इन अमाइलेज के साथ इन ऑर्गेनिक क्लोराइड एलिमेंट आके अटैच हो जाता है तो अमाइलेज एक्टिव हो जाता है और स्टार्च की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने टाइप ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।